नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे सन्यासी मेरा नाम फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और साथ ही जानेंगे इस फिल्म से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स के बारे में भी। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। सन्यासी मेरा नाम सन 1999 में आई एक एक्शन फिल्म थी। इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, सिद्धार्थ धवन, शालिनी कपूर, रोशनी जाफरी, कादर खान, मोहन जोशी, तेज सप्रू, बॉबी सैनी, सत्यन कप्पू, राणा जंग बहादुर और मुश्ताक खान नजर आए थे। इस फिल्म को इमरान खालिद ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था मनीषा विमल ने, और इस फिल्म की कहानी सतीश जैन ने लिखी थी और इस फिल्म के डायलॉग्स भी उन्होंने लिखे थे। इस फिल्म को कुल 100 स्क्रीन के साथ 1 अक्टूबर सन 1999 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 2 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 1,78,00,000 का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 21 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 93 लाख का कलेक्शन किया था। अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 3,10,00,000 का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और फिल्म फ्लॉप साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म की IMDb रेटिंग की तो इस फिल्म को 5.1 रेटिंग मिले और ये फिल्म सन 1999 की 48वीं हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक आनंद मिलिंद ने दिए थे और इसके लिरिक्स समीर ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और इसके गाने एवरेज रहे थे। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म का टाइटल पहले सन्यासी नंबर 1 रखा गया था, लेकिन कुछ कारण से बाद में इसे बदल कर सन्यासी मेरा नाम कर दिया गया था। नंबर 2, इस फिल्म की कहानी कई हद तक सन 1974 में आई राजेश खन्ना की फिल्म रोटी से मिलती जुलती थी। तो दोस्तों आपको ये फिल्म कैसी लगी थी और आप इस फिल्म को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन और फैक्ट्स वाली वीडियो चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।